हाँ ले आओ कबाब, इधर रख दो, जरा जोया को बुला रहा हूँ। ओ आ गई, आओ बेटा मेरे साथ बैठ के खाना खाओ ना। बेबी से पूछ के ना मैंने तुम्हारे फेवरेट खाने पकाए हैं, ट्राई करो ना। कहाँ जा रही हो? अपने कमरे में। कमरे में? लेकिन वहां पे तो इतना सारा सामान फैला हुआ है। वैसे भी तमीजदार तरीका ये होता है सब साथ बैठ के ना टेबल पे खाना खाएं। अच्छा, जब आप कह रही हैं कि मैं बदतमीज हूँ, बदतहजीब हूँ, यही कहना चाह रही हूँ ना, साफ साफ कह दें। वैसे भी मुझे साफ बात करना पसंद है, और प्लीज जल्दी बताएं क्या काम है। जोया बेटा मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। देखो अगर तुम दाऊद भाई से खफा हो या मुझसे खफा हो तो मेरे बेचारे आहत पे क्यों निकाल रही हो ये सब नज़ला? उस बेचारे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम इतना इग्नोर कर रही हो उसको। अच्छा तो अब आप टिपिकल फुप्पो की तरह अपने बेटे का रिश्ता मांग रही हैं? हाँ तो इस पे खराबी क्या है? अरे मेरा बेटा हजारों में नहीं लाखों में एक है, डॉक्टर है, डॉक्टर जहीन हसीन, क्या बात है उसकी, ऐसे रिश्ते कम मिलते हैं, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। क्या हुआ? What the hell? ये खाने? बेबी कितना बकवास खाना बनाया तुमने? चलो ना यार, सिर्फ 8 दिन का ही तो ट्रिप है। हुंजा, कलाम, यूनिवर्सिटी का सारा ग्रुप जा रहा है। मेरा क्या लेना देना तुम्हारी यूनिवर्सिटी से? तुम जाओ, एंजॉय योरसेल्फ, और हाँ पिक्चर्स व्हाट्सएप करती रहना। देखो दे, तुम ये क्यों कर रही हो? तुमने यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स भी इसलिए नहीं दिए ना ताकि डीन तुम्हें यूनिवर्सिटी से निकाल दे, यही बात है ना? Maybe. देखो मिनाल, कुछ लोग होते हैं जो अपनी मर्जी से पढ़ते हैं और मैं अपनी मर्जी से नहीं पढ़ रही हूँ। That's it. सुहेल, करना क्या चाह रहे हो? सारा दिन इस बंद कमरे में बैठी रहती हो सिर्फ अंकल को जलाने के लिए ना? Come on, मेरा डैड अब इतने भी बुरे नहीं है। ये देखो मुझे यूके की यूनिवर्सिटी से ईमेल आ गया। यूनिवर्सिटी में ना सिर्फ मेरा एडमिशन हो चुका है बल्कि वहाँ पे रेंट पे मेरे लिए अपार्टमेंट भी ले लिया गया। Isn't that amazing? वाओ जोया, ये तो बहुत अच्छा काम किया अंकल ने। तो फिर कब जा रही हो? कभी नहीं, मैं उनका ये एहसान उनके मुंह पर मारकर आ गई हूँ।